गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल और मम्पी। तो आज इंट्रो सबसे लास्ट कर रहा, वीडियो बन गया है। जब एडिट करने बैठे देख रहे इंट्रो नहीं किए, तो चलो इंट्रो भी कर ही दिया। आप लोग पूरा ब्लॉग देखो, एंजॉय करो, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करो। यार यार चल रहा है, शादी का सीजन है, मस्त शॉपिंग करो। हमको तो बहुत मजा आता है मतलब शॉपिंग वगैरह करने में। अरे फिलहाल तो इनका हो रहा है, अभी मेरा कोलकाता में जाके होगा। अरे बहुत शॉपिंग है, शादी का शॉपिंग, मेरा वहाँ पे पूजा है, मतलब हमको शॉपिंग का रीजन चाहिए। जो आपके पास संगीत है, मेहंदी है और हल्दी है, इंडियन में डाल दो। शॉपिंग करने के बाद चल गए थे पुराना घर, बहुत दिन से नहीं गए थे तो सोचे दादी भाभी लोगों से मिल लेते हैं। टिकटों कर ले, कल मैं कल ही जा रही। हाँ कल ही साइन वन करना है, बुला है लोन वोन के। एक टाइम भी लेट नहीं करना चाह रहा, मतलब ज्यादा एक्साइटेड तो भाभी को बहुत शिकायत है हमसे बेचारी हो। क्या है हम बताते हैं, ये जो चैत महीना का ना जो छठ होता है वो भाभी करती है। तो अगला बार भी हम नहीं थे तो भाभी फोन की मम्मी को कि इस बार तो रहना ही है, और मेरा ही किस्मत शायद खराब है फोन करके। हम लोग ऐसे भी जाने वाले थे अप्रैल का पाँच को जाने वाले थे, लेकिन हम लोग को फोन आया और बोला जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, बस आप लोग का साइन का इंतजार है, तो आप लोग जल्दी आओ साइन करो, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो तब आगे बढ़ेगा। फिर हम लोग ये काम ना बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं कि जितना हम लोग जल्दी करें उतना काम आगे बढ़ेगा ना, तो इसीलिए बोला कि तब चलिए जाके साइन कर लेंगे तो आगे का काम भी होगा। तो फिर जा रहे हैं, दो काम है, देखिए जाएंगे साइन करेंगे तो आगे का काम होगा, और जो इंटीरियर बुक है उसको आधा पैसा देना है। दादी को लगता है हम लोग कोलकाता शिफ्ट हो गए, हम लोग चले गए दादी को छोड़ के, आपको लेके जाएंगे समझे। अभी आए थे क्या भैया, कहा है क्या रखा है दादू मायरा का नाम, दादी मायरा का नाम रखी है कजरी। आप प्लान में फोन किया ना, साइन विन करना है, चलेंगे जाएंगे फिर आ जाएंगे। हाँ काम हो जाएगा ना, फिर चल आएंगे जल्दी। हाँ फिर आपको लेके जाएंगे ना, फिर आपको लेने के लिए आना है ना हमको। दादी मायरा का नाम रखिए कजरी, मायरा बड़ी होके सब वीडियो देखेगी, मम्मा हमको दादू का मम्मी कजरी बोलती थी। नहीं खेल रही है कि ठीक है लेके आएंगे, फिर आएंगे ना लेके आएंगे। ठीक मम्मी तो आई थी लेके, उसको नहीं आई थी मम्मी लेके, मम्मी आती तो लेके आती। फिर आज फिर आएंगे, हाँ वहाँ पे कुछ काम है कर लेंगे फिर आ जाएंगे। अगला बार भी तो आपसे मिलके गए थे, फिर आए कि नहीं बुलाइए तो उनको। दादी इतना मानती है, 2400 घंटा नाम लेते रहते हैं बिट्टू बिट्टू 24 घंटा। हम आएंगे हमको देखेंगे, इतना बार पूछेंगे कहाँ है बिट्टू, कहाँ है बिट्टू का, इतना बार पूछते हैं दादी। देखिए अभी बोले कहाँ गए, कहाँ गए बिट्टू, अभी बुलाए आ रहे हैं।
कलकत्ता तुमको लेके चलेंगे, तो दादी इमोशनल हो जाती है, दादी जब भी देखते हैं इनको इमोशनल हो जाती है, सही बात है। दादी हमको ढूंढती है सबसे ज्यादा, कहाँ है कहाँ है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर खाइएगा पाँच लोग आप धीरे धीरे खाइएगा फुलौड़ी। दादी पहले हमको छुपा छुपा के देते रहती थी, इसलिए बोलते अभी फुलौड़ी खाओ नहीं खाओ। दादी अपने पास हमेशा खाने का कुछ भी रखती है, हम जब भी आता है हम आंचल से बिस्किट खोल के देती, खाएगी खाओ खाओ बिस्किट कुछ ना क्या बोलो, देखिए चाहने को नहीं दी, चाहना है पीते को चाहने पियो, ये भी जो सत्संग है बाबा फुल इमोशनल। दादी बहुत क्यूट है ना, आगे चल मिल जा बोरे चल जी वो। दादी हमें नजदीक है, हमने आएंगे नहीं, फिर आएंगे नहीं, मेरी सास की सास कैया आएगा, आएगा आएगा, हिंदी बोले कैया आएगा। अच्छा एक बात बताइए ना, बाबा स्मार्ट है ना, बाबा स्मार्ट है ना, बता ले क्या है, स्मार्ट लगता है ना, गया कल ही आया, अच्छा लगता है, चल गया, तारीफ कर रहा है दादी, बोले हम कभी नहीं बाबा मारे हैं, मानते हैं ना बाबा आपको, पीछे से भाग लो नहीं तो हम भी कल जा रहे हैं, कल जाएगा मैं ना उसी दिन रात में 12 बजे चल गया था, ठीक है पहुंचे थे 12 बजे, 12 बजे रात को चले गए थे, मानते ना मानते कल आए, आज चल गए गाँव, उस टाइम गांव अब बोले में भी गांव नहीं गए थे, मेरे साथ ही आ गए थे ना, मेरे घर पे रुके थे और डायरेक्ट अगला दिन तुम्हारे तक चले आए थे, मुझे एक दिन जाकर फंसे भी बोलना जरूरी है मम्मी पापा से। चलो दादी से थोड़ा बातें शाते करेंगे फिर जाएंगे घर, मायरा को खाना खाओ ना, म्यूजिक बहुत बसता है, कितना पीती है देखो, साइज में भी मिलता है। अठारह से 24 मंथ में जो हाँ एक से दो साल ये कितना साल का हो जाएगा, ये कितना मम्मी का हो जाएगा, ये हो जाएगा साल से, हाँ हो जाएगा मायरा को, ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कितना बड़ा है हो जाएगा, बोल दो लगभग लगभग सेम है, हो जाएगा, मम्मी पतली है ना, शॉपिंग डन और अभी जाएंगे, अभी घर नहीं जाएंगे, अभी सोचे सामने कोई रेस्टोरेंट से हम और ओम कुछ खाएंगे, पिज़्ज़ा या बर्गर जो भी मिल जाए यहाँ पे ना। एक चीज़ है कि बहुत जल्दी दुकान बंद हो जाता है, होप सो दुकान बंद ना हो और हम लोग जाके कुछ पेट पूजा कर पाए, और ओम कुछ दूसरे कारण के लिए आया था लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया, कुछ दूसरा चीज मामी हम ना ये लेंगे, उसको उसको ना फुटबॉल लेना था, अब मैं ठीक है चलो, लेकिन वो मिला ही नहीं यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन ये हमको आज अच्छे से लूटा है। चलो को लगा दुकान बंद हो जाएगा लेकिन दुकान खुला हुआ था, दो चिकन सैंडविच कर दीजिए।
तो यहाँ आका कब बहुत जल्दी जाने वाले, फिर पता नहीं कब फिर बलाना होगा भी कि नहीं होगा, तो इसलिए फिर कब आया, एक महीना तो लगेगा एकदम लंबा इस बार जर्नी है। तो हम सोच रहे हैं इस बार चिकन सैंडविच बहुत दिन से नहीं खाए थे, और यहाँ का चिकन सैंडविच मेरा फेवरेट, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी यम्मी है। तो सोचे क्यों ना आज हम आया है और हम और पहली बार बहुत दिन बाद लगता है हम लोग आया है, हमें चलो कुछ खा के आए। मुझे उसको बोले थे कि बोले मामी हमको ना फूड बैग चाहिए, चलो तो मेरे साथ चलो, अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता। पहले तो प्रिया आती थी और अभी भी प्रिया आ सकती थी, लेकिन उन्होंने शायद वीडियो का कुछ काम कर रहा था इसलिए हम उसको बोले नहीं। हम और आ गए का आया है। अभी हम ना बोलने जाए तो उमा का आया है। क्या उमा? चलो हम तो मेरे से खुश है भाई, फाइनली हम लोग का ऑर्डर आ गया और हम लोग खाना स्टार्ट कर दिए थे और हम ना चिकन सैंडविच ऑर्डर किए थे। फिर हमको याद आया कि मम्मी तो घर में पूजा कर रही है, वो ओम हमको याद दिला दिया, हमको हम भूल गए थे, ओम याद दिला दिया। फिर हम कंफर्म हो गए थे चिकन पनीर सैंडविच ही दिए ना, फिर लास्ट में चिकन सैंडविच कैंसिल करके पनीर सैंडविच की, और ये भी बहुत टेस्टी था। तो चलो आज का वीडियो यहाँ तक ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।